आरबीआई केम आउट विद अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट लास्ट वीक. आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड्स को यूपीआई से लिंक करने की परमिशन दे दी है. जैसे कि आप सबको पता है, यूपीआई एक पेमेंट इंटरफेस है, यानी कि पेमेंट करने का एक प्लेटफॉर्म है. एंड इससे पहले यूपीआई सिर्फ डेबिट कार्ड्स और बैंक अकाउंट से ही लिंक किया जा सकता था. बट अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट क्रेडिट कार्ड्स को यूपीआई से लिंक करना कैन बी रेवोल्यूशनरी फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस. क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने के बाद फॉलोइंग चेंजेस कैन बी सीन. फर्स्ट इज दैट आपको हर जगह अपना क्रेडिट कार्ड कैरी नहीं करना पड़ेगा, आप क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी पेमेंट कर सकते हो. सेकेंड इज दैट इट इज एक्सपेक्टेड कि आफ्टर दिस डेवलपमेंट क्रेडिट कार्ड यूजर्स 3 to 4 times बढ़ जाएंगे इन द नेक्स्ट 5 to 6 years. एंड थर्ड इज दैट इस डेवलपमेंट के बाद कुछ कंपनीज बहुत बुरी तरह इफेक्ट होने वाली है, जैसे कि वीजा एंड मास्टर कार्ड. इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि उनका बिजनेस इंडिया में बिल्कुल ठप हो जाए. अब ये सब क्यों होगा, हाउ विल ऑल दिस इम्पैक्ट यू, इसकी बात करेंगे हम इस वीडियो में. लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है दैट हाउ डू क्रेडिट कार्ड्स वर्क इन इंडिया. इंडिया में पेमेंट गेटवे रेजर पे का होता है जनरली, एंड कार्ड नेटवर्क देने वाली कंपनीज आर वीजा एंड मास्टर कार्ड. सो अब जो डायग्राम आएगा उसमें आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन द ब्लू एरोस. अब होता क्या है कि जैसे आप अपना क्रेडिट कार्ड किसी ऑनलाइन स्टोर या वेबसाइट पे डालते हो, वहां से इन्फॉर्मेशन सीधा पेमेंट गेटवे जैसे कि रेजर पे के पास आ जाती है. रेजर पे वहां से इन्फॉर्मेशन वीजा या मास्टर कार्ड को भेजता है, और वीजा और मास्टर कार्ड जैसे कार्ड नेटवर्क्स वो इन्फॉर्मेशन जिस बैंक ने क्रेडिट कार्ड इशू किया है उसको भेजते हैं. इशूइंग बैंक बताता है कि कार्ड में लिमिट है कि नहीं, उस बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है. Now I want you to focus on the grey arrows. अब जैसे ही issuing bank information को accept करता है, वो information visa या mastercard and razor pay के through merchant को भेजता है कि इस card को accept किया जा सकता है और आपकी transaction approve हो जाती है. और merchant के bank को notification चली जाती है कि एक payment receive हुई है. जैसे कि आपने देखा कि credit card की जो payment 2 seconds में approve हो जाती है, उसके पीछे इतना बड़ा इकोसिस्टम लगता है. अब क्योंकि कंपनी ने इतना बड़ा इकोसिस्टम सेटअप किया है, तो इसके लिए वो ऑब्वियसली कुछ चार्जेस भी लगाएंगी. इनमें सबसे पहले जो चार्जेस आते हैं वो ये होते हैं जो इशूइंग बैंक प्लस कार्ड नेटवर्क जैसे कि वीजा और मास्टर कार्ड लगाती हैं. इन चार्जेस को हम कहते हैं MDR, यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट. हम इसको मर्चेंट डिस्काउंट रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चार्जेस सीधा मर्चेंट को लगते हैं, आपको या कस्टमर को नहीं. दीज चार्जेस आर टिपिकली फ्रॉम 2 to 3%. सो बाय चांस अगर आपने 1000 rupees की कोई ट्रांजैक्शन की है तो 20-30 rupees MDR चार्ज लगता है मर्चेंट को. इसको अच्छे से याद कर लेना बहुत जरूरी है क्योंकि UPI का पूरा गेम इसी पे, इन्हीं चार्जेस पे बेस है. इसके अलावा पेमेंट गेटवे चार्जेस भी लगते हैं, उनकी रेंज होती है फ्रॉम 0.5 to 0.6%, और ये चार्जेस भी मर्चेंट को ही बेयर करने पड़ते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन पे शॉपकीपर को 2.5 to 3% देना पड़ता है हर ट्रांजैक्शन पे. यही रेट डेबिट कार्ड पे आ जाता है 1% का. बट UPI में ये सब कुछ फ्री है, यानी कि मर्चेंट को UPI ट्रांजैक्शन के लिए 0 charges लगते हैं. इसीलिए सारे शॉपकीपर्स या मर्चेंट्स ट्राई करते हैं एंड उनकी पूरी कोशिश रहती कि आप UPI से ही पेमेंट करें. इसी के चलते UPI को बेशक 3 to 4 years हुए हैं, लेकिन उसकी पेनिट्रेशन क्रेडिट कार्ड से काफी ज्यादा है. इंडिया में क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं 5 to 6 crore, वहीं पे UPI यूज करने वाले लोग हैं 25 crore. मोर ओवर द शॉपकीपर्स हु आर एक्सेप्टिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स आर 50 lakh इन नंबर, वेर एज जो कि UPI पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं उनका नंबर है 6 crore, विच इज ऑलमोस्ट 10 times. इन सब के चलते ही RBI ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया टू लिंक UPI विद क्रेडिट कार्ड. अभी RBI ने क्लियर नहीं किया है कि वो कितना MDR चार्जेस इस पे लगाएंगे. ऑल्दो लास्ट ईयर RBI ने डिसीजन लिया था टू लिंक रुपए डेबिट कार्ड विद UPI विद 0 MDR चार्जेस. अगर RBI ने क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक करने के लिए भी 0 MDR चार्जेस लगाए या डिक्लेयर कर दिए, देन दिस इज वॉट वी एक्सपेक्ट टू हैपन. Customers will start using UPI linked credit cards. This way they get best of both the worlds. उनके बैंक से इमीडिएटली पैसे भी नहीं कटेंगे, उनको 45 डेज का क्रेडिट लिमिट भी मिल जाएगी और उनकी पेमेंट भी स्मूथ हो जाएगी. इन फैक्ट उनको अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड कैरी करना भी जरूरी नहीं है, बस QR कोड स्कैन करो एंड द पेमेंट इज डन. इसके चलते शॉपकीपर्स को भी काफी फायदा होगा एंड दे विल हैप्पीली स्टार्ट एक्सेप्टिंग क्रेडिट कार्ड्स. काफी सारे मर्चेंट्स बहुत थिन लाइन पे, थिन मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं, उनके लिए दिस 3 to 4% विल हेल्प
अ लॉट इन देयर बिजनेस और देयर वर्क. ऑल्सो इन सबके चलते हमें ऐसा लगता है, जो कि थोड़ा ऑब्वियस भी है, दैट क्रेडिट कार्ड्स का यूसेज विल एक्सप्लोड इन द टाइम्स टू कम. अगर आरबीआई ने एमडीआर जीरो कर दिया तो कंपनीज लाइक वीजा एंड मास्टर कार्ड विल सीरियसली बी पुट आउट ऑफ बिजनेस एटलीस्ट इन इंडिया, क्योंकि मेजोरिटी पेमेंट्स जो क्रेडिट कार्ड्स की होंगी वो होंगी वाया यूपीआई, एंड यूपीआई का जो भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो आरबीआई का ही यूज होगा. ऑल्सो आरबीआई ने अभी एमडीआर चार्जेस को लेकर कुछ ज्यादा क्लैरिटी नहीं दी है, बट वी फील कि अगर वो जीरो नहीं होगा तो बहुत ज्यादा भी नहीं होगा, कैन बी समवेयर अराउंड 0.5 to 1%. वी ऑल्सो फील दैट आरबीआई शायद टीयर बेस्ड एमडीआर चार्जेस लगाना शुरू कर दे, जैसे कि 1,000 रुपए तक की ट्रांजेक्शन पे 0%, 1,000 से 10,000 के बीच में 0.5%, एंड 10,000 से ऊपर शायद 1%. We also feel that अगर ये सब हुआ, UPI से क्रेडिट कार्ड लिंक हुआ, then it can change how microfinance works in India, which could be a threat to all the instant personal loan companies in India, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे. Let us know in the comment section, what do you feel about this link of UPI and credit cards? We would love to see and read your opinion about the same. Till then, be kifayati.